रायबरेली क्षेत्र अधिकारी नगर वंदना सिंह सहित बेहतर सेवाएं देने वाले रायबरेली की 35 महिलाएं पुलिसकर्मी हुई सम्मानित। रायबरेली जनपद में सराहनीय सेवाएं देने वाली महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किए जाने हेतु स्थानीय करणहाल में महिला पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। माधव सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह रहे। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जो सराहनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला पुलिसकर्मियों की सड़क पर सक्रिय उपस्थिति मात्र से ही आम महिलाओं के अंदर सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। समारोह में क्षेत्राधिकारी नगर वंदना सिंह, शिवानी वर्मा, शीतल चहल, गुंजर मिश्रा, प्रज्ञा सिंह, नीलम मिश्रा, निहारिका गिरी सहित जनपद की 35 महिला पुलिसकर्मियों को अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी नगर वंदना सिंह ने कहा कि पुलिस द्वारा समाज में अच्छा कार्य किए जाने का माधव सेवा संस्थान द्वारा आकलन कर सम्मान दिए जाने का निर्णय अब यह निर्णय काफी सराहनीय है। इसे महिला पुलिसकर्मियों का निश्चित रूप से उत्साहवर्धन होता है। संस्थान के संरक्षक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, मिशन शक्ति और नारी सशक्तिकरण का यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन महिला पुलिसकर्मियों के लिए समर्पित है, जो दिन रात मेहनत करके समाज में प्रत्येक महिलाओं को भय मुक्त वातावरण प्रदान कर रही हैं। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष प्रियंका अवस्थी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह छाबड़ा ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। संस्थान के अध्यक्ष प्रियंका अवस्थी ने बताया कि इस वर्ष महिला पुलिस दिवस को पूरे सप्ताह भर मनाया गया। 12 सितंबर से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम का समापन आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संपन्न हुआ। इस मौके पर संस्थान के उपाध्यक्ष उषा किरण सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। मैडम जी, आज क्या कार्यक्रम था, कितने महिला कांस्टेबल को सम्मानित किया गया और किस लिए सम्मानित किया गया? हर वर्ष 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस मनाया जाता है। उसी के क्रम में यहाँ रायबरेली की जो सामाजिक संस्था है माधव सेवा संस्थान, उनके द्वारा महिला आरक्षी, उप निरीक्षक, इंस्पेक्टर, इन सभी को सम्मानित किया जाता है। उसी क्रम में, चूंकि कतिपय कारणों से 12 तारीख को वो कार्यक्रम नहीं हो पाया था, वह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। पूरे जनपद से 35 महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। सर, क्या परिचय आपका? मैं अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट, माधव सेवा संस्थान में मैं संरक्षक हूँ। सर, क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस होता है 12 सितंबर को। ये प्रत्येक वर्ष माधव सेवा संस्थान की ओर से जो महिलाएं पुलिस विभाग में हैं और अच्छा कार्य कर रही हैं, ऐसी महिलाओं का सम्मान किया जाता है। गत वर्ष भी किया गया था, इस वर्ष भी किया गया है। इस वर्ष हम लोगों ने 35 जो अच्छा कार्य करने वाली महिला पुलिसकर्मी हैं, जो कि अलग अलग थानों से हैं, पूरे जनपद की, उनको सबका सम्मान किया गया था। सर, आपकी संस्थान क्या हर बार करती है कि खाली अब की इतिहास? नहीं, ये गत कम से कम 5 वर्षों से हर वर्ष ये 12 सितंबर को होता है, और इस वर्ष हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग इसको 12 सितंबर से लेकर के और 20 सितंबर तक पूरा हम लोग सप्ताह मनाएंगे। तो हम लोग प्रत्येक दिन जो है, जो यहाँ पे थाने हैं उन थानों में गए थे, वहाँ के जो महिला पुलिसकर्मी, उनका सम्मान किया गया था, और आज ये जो है ज्वाइंट कार्यक्रम रखा गया पुलिस कार्यालय।